नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरुही मिश्रा, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का रक्तदान। रक्तदान शिविर अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने अपने 95वें स्थान दिवस पर 17 सितंबर शनिवार को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव MDDD के माध्यम से पूरे देश में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों और जिलों सहित कुल 6 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1, 2, 6, 5, 4 रोग तो यूनिट का संग्रह किया गया। रक्त की कमी के कारण किसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश के लोगों को रक्तदान शिविर किया गया। मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के महाराष्ट्र प्रभारी महेंद्र आर्य ने बताया कि इस राष्ट्र ब्लड डोनेशन जाएगा और उपलब्धियों के रूप में जन जन द्वारा बनाया गया महाराष्ट्र के लगभग 14 ब्लड बैंक का आयोजन किया गया। लगभग 9 बजे यूनिट का संग्रह किया गया है। यहाँ परिषद ने बताया कि नागपुर में एक यूनिट का किया गया आयोजन इस वर्ष उपलब्ध होगा। आगाराम देवी मंदिर में हो रही नवरात्र की तैयारी। श्री आगाराम देवी मंदिर गणेशपेट में नवरात्र की तैयारियां आरंभ हो गई है। मंदिर में पंडाल लाइटिंग एवं सजावट की जा रही है। 26 सितंबर सोमवार की मंदिर 5 बजे माता रानी का अभिषेक होगा। तत्पश्चात देवी का श्रृंगार और पूजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक विधि पूर्वक स्थापना की जाएंगी। मनोकामना है जो दोपहर 2 बजे प्रज्वलित किया जाएगा। 3 अक्टूबर को अष्टमी पूजन कर कन्या व सुबह 11:30 बजे से होगा। तत्पश्चात मंदिर में हवन होगा। 4 अक्टूबर को 10 और 4 बजे खत्म विसर्जित किया जाएगा। तोते बेचने वाले पर कार्रवाई। तोते पकड़ना, बेचना, खरीदना और घर में पालना, यह वन कानून के मुताबिक अपराध है। तो तोते की बिक्री के एक सूचना पर वन विभाग की टीम ने एक फ्लैट पर छापा मारकर 7 से 2 को मुक्त कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 4 तोते हुए पाए गए। ऊपर वाली महाड़ा कॉलोनी निवासी आरोपी शिकायत आई। लकड़गंज परिसर में हर रविवार को पक्षियों का बाजार भरता है। यहां तोतों की बिक्री भी होती है। पीपल फॉर एनिमल संस्था को लियाकत द्वारा ऊपर वाले की महाड़ा कॉलोनी में एक फ्लैट में तोते को रखने की जानकारी दी गई। वन जीव रक्षा भटकल के जांच के बाद वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम मंगलवार की रात 8 बजे महाड़ा कॉलोनी पहुंची। 6 से 25 तक का योगदान रहा। कब्जे में लिए गए तोतों का पंचनामा करके ड्राफ्टिंग ट्रीटमेंट सेंटर में रखा गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारा चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।